वंदे मातरम साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे और आने वाली आगामी सभी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। हरियाणा पुलिस महिला कांस्टेबल और मेल कांस्टेबल दोनों से रिलेटेड बहुत ही बड़ी अपडेट है। महिला कांस्टेबल का जो रिजल्ट है ये साथियों रिवाइज होगा। जिस प्रकार की अभी अभी हमें जो अपडेट मिली है उसके अनुसार हम आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। महिला कांस्टेबल का फाइनल रिजल्ट से रिलेटेड और मेल कांस्टेबल से रिलेटेड बहुत ही बड़ी अपडेट इस वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्यारे साथियों, जिस प्रकार की हमें अभी अपडेट मिली है महिला कांस्टेबल का, प्यारे साथियों आप सभी को क्लियर है फाइनल रिजल्ट आ चुका था, ठीक है। अभी इसके रिजल्ट को साथियों यहाँ पर रिवाइज किया जाएगा या नहीं, इसी चीज पर संशय बना हुआ है। और ये संशय क्यों बना हुआ है आप सभी को क्लियर है, जो परसेंटाइल का मेथड यूज किया है। तो साथियों एचएससी की जो 27 तारीख की मीटिंग थी इसकी प्यारे साथियों जो हल्की फुल्की न्यूज मिली है कि आप सभी का जो रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है ये रिजल्ट आपका यहाँ पे गलत है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा नंबर एड करके परसेंटाइल मेथड को यूज नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है महिला कांस्टेबल का जो फाइनल रिजल्ट है ये रिवाइज होगा। इसकी 99.9% संभावना हो चुकी है, ठीक है। 0.1% कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी जिस प्रकार की हमें अपडेट मिली है 99.99% आपका जो रिजल्ट है ये रिवाइज्ड होगा। अगर आपका रिजल्ट यहाँ पे रिवाइज्ड होता है तो जल्दी आपको ऑफिशियल साइट पर इसका नोटिस मिल जाएगा, लेकिन हमें जिस प्रकार की अपडेट मिली है वो अपडेट हमने आपसे यहाँ पे शेयर की है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें मेल कांस्टेबल से रिलेटेड जितने भी कैंडिडेट हैं, साथियों आप सभी को भी यहाँ पे डाउट रहता है कि जो कैंडिडेट अपनी शिफ्ट में टॉपर है अगर परसेंटाइल का मेथड यहाँ पे यूज किया गया उसके पास कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं है तो उसका कभी सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब इस परसेंटाइल मेथड को यहाँ पे चेंज किया जाएगा। अगर आप अपनी शिफ्ट के टॉपर हैं तो आप अपनी शिफ्ट में टॉपर ही रहेंगे, आपके पास एक्स्ट्रा नंबर है या नहीं आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब ये दो बड़ी अपडेट आप सभी के लिए, किसी कैंडिडेट को ये अपडेट अच्छी भी लग सकती है, किसी को ये अपडेट बहुत बुरी भी लग सकती है, लेकिन प्यारे साथियों जिस प्रकार की अपडेट मिलती है वो आप सभी के साथ शेयर करना जरूरी है। ये खबर बुरी केवल उन कैंडिडेट के लिए हो सकती है जिनका यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है, वे कैंडिडेट नहीं चाहेंगे कि इस रिजल्ट को यहाँ पे दोबारा रिवाइज किया जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने साथियों तक इसे शेयर जरूर कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलते, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।